बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नए आए हैं, क्या आपको लगता है, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्यों बदलाव किया गया है ये? सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई, और ये भारतीय जनता पार्टी का उनका अंदरूनी उनका फैसला है, उनकी पार्टी का फैसला है, वो किसको क्या जिम्मेदारी देते हैं ये उनकी पार्टी ने निर्णय लेना है। जहाँ तक हरियाणा के प्रदेश की जनता पर, उस पर कोई इस फैसले से कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि लोग जो है ना परफॉर्मेंस चाहते हैं, सरकार के परफॉर्मेंस चाहते हैं, जो ये जीरो पर आउट हो रहे हैं। आज इनका कोई भी परफॉर्मेंस नहीं रही, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे कर्ज का जो जाल इन्होंने बिछाया है, जो इस तरह के जो मुद्दे हैं, इन सब चीज़ों पर ये सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। और जब भी इनको पार्टी को छोड़ छोड़ के हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आज 33 पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री और जो इनके पार्टी के जो वरिष्ठ जो प्रदेश में वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जिला अध्यक्ष, इनके पार्टी को छोड़ छोड़ के हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि कांग्रेस भारी बहुमत से यहाँ पर सत्ता बनाने जा रही है और पूरी तरह से बीजेपी का सुपड़ा साफ होना निश्चित है। ओबीसी समाज को देखते हुए नायब सिंह सैनी को जिम्मेदारी दी गई है, फर्क पड़ता है कुछ इससे क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ भी तो वहाँ ओबीसी है तो यहाँ भी तो दलित बना रखा है। ओम प्रकाश धनखड़ के लिए क्या कहना चाहेंगे, राष्ट्रीय नेता उनको बनाया गया है? धनखड़ जी को राष्ट्रीय नेता बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रीय सचिव का पद आपको लगता है कि बहुत अहम पद है बीजेपी में क्या? नहीं, हमारे कांग्रेस में भी 5 है सचिव हरियाणा से। एक पर्चा लीक को लेकर भी मामला सामने आया कि ग्रुप डी के जो हाल ही में पर्चे लीक हुए हैं, और एक बार फिर आप लोग भी पहले भी कहते हैं तो इसमें बड़े बड़े इसके इनके नेता और अधिकारी इसमें शामिल हैं, और हम उसी दिन से मांग कर रहे हैं, इन्होंने कोई जांच नहीं रखी। और ईडी और सीबीआई कहाँ रहती है, राजस्थान में तो पहुँच सकती है इलेक्शन के दौरान, यहाँ कब आएगी ये जनता इंतजार कर रही है, जनता देखेगी कि भाई इनकी करनी और कथनी में क्या कितना अंतर है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।